तो हेलो गाइस, वेलकम टू तरुण यूके व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब? और आज है हैप्पी न्यू ईयर, सो मतलब न्यू न्यू ईयर का फर्स्ट डे है। तो आप सभी को मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं नव वर्ष की। और भगवान करे कि आप जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं वो सफल, उसमें आप सफल हो, जो भी आपके विशेष हैं वो पूरी हो, और जो भी आप चाहते हैं करने के लिए अपने लाइफ में वो आप इसी साल कर लें, ठीक है? बाकी क्या कहते हैं, ये बात मेरे भाई ने बोल दिया होगा आपको, और ऐसा ही है बस। तो आप सोच रहे होगा कि आज मैं ऐसा तैयार होकर कहाँ जा रहा हूँ, और मैं मतलब अपने गांव के वहाँ पे हूँ, बैंड बोलते हैं वैसे इसको हमारे इधर, बट मतलब यहाँ पे ऐसा होता है कि कोई भी गाड़ी लेनी हो तो यहाँ पे आते हैं, या हमारी धनों भी यहीं पे खड़ी रहती है। तो आज हम जा रहे हैं, बताओ कहाँ जा रहे होंगे हम? आज हम जा रहे हैं साल के पहले दिन मंदिर जा रहे हैं हम घूमने के लिए। तो मैं जा रहा हूँ, हमारे साथ है, बता देता हूँ, हमारे साथ है प्रवीण भाई, और हमारे साथ आएंगे प्रीतम भाई, और भी हैं अभी, वो डिसाइड नहीं हुआ, अभी वो आएंगे तो उनको उनके साथ मिलाता हूँ। बाकी आज हमारे साथ, आपके साथ मैं व्लॉग में रहने वाला हूँ, पूरे दिन मैं दिखाऊंगा आपको कि हम कहाँ कहाँ घूमें, मंदिर वगैरह कहाँ। और मतलब मैं ये चाहता हूँ कि जो जो बंदे पहले दिन, मतलब साल के पहले दिन मंदिर जाना चाहते थे और वो नहीं जा पाए, तो क्या कहते हैं, मैं उनको एक वर्चुअल टूर करा दूँ, ऐसा ऐसा समझ लो। तो बस यही है, और क्या कहते हैं, बाकी आप अपना बताना कि आप लोग कैसे हो, कमेंट सेक्शन में बताना कैसे हो आप लोग और क्या कर रहे होंगे। और मौसम तो आज का पता नहीं क्यों अजीब सा बना हुआ है, मतलब कभी धूप है, कभी मतलब बादल लगे हुए हैं एक्चुअल में। तो ऐसे ही है बस, दिखाता हूँ मैं थोड़ी देर में, जब तक मैं जाऊँगा निकलूँगा। मैं मेरे को मेरी एक्चुअल में कॉलेज की छुट्टियाँ पड़ गई हैं, तो मैंने सोचा था कि मेरे को एक बार मंदिर अंदर जाना था घूमने के लिए, तो आज से अच्छा मौका कब और मिलता कि मतलब मंदिर जाने का ना, तो बस वही वाली बात हो गई। और बस यही है कुछ बातें, बाकी मैं आपको मिलता हूँ रास्ते में, मिलता हूँ मतलब ऐसे नहीं कि मंदिर में मिलूंगा सीधे, इतना गंदा नहीं हूँ मैं। तो ठीक है गाइज, सो गाइज अब मैं पहुँच गया था यहाँ पे, आप पढ़ लीजिए, आ गया हूँ मैं उस स्कूल में जिसमें इंटर कॉलेज मतलब जिसमें पापा ने, दादाजी ने और सभी भाई बहनों ने, सब ने पढ़ रखा है इसमें। और क्या कहते हैं, हम जैसे हमने बताया था ना आपको मंदिर जाते, तो चांगड़ा मंदिर जा रहे हैं हम, उसको कहते हैं माँ भुवनेश्वरी मंदिर, है ना? हाँ, तो क्या कहते हैं, इधर सांगड़ा मंदिर बोलते हैं मतलब लोकल्स में, और उधर हमारे प्रवीण भाई जाते हुए। तो गाइज मैं चला रहा था आज धन्नो को, तो क्या कहते हैं, अभी प्रवीण भाई पीछे से अपनी बाइक में आ रहे हैं, वो छूट गए पीछे, मतलब इतनी तेज़ नहीं चलाई मैंने, मतलब वो बीच में पुल में रुक गए थे, बांगाट का पुल आता ना बीच में, दिखाएंगे जाते वक्त। तो मतलब ऐसा हुआ कि वो लोग रुक गए, तो हम अब स्कूल के सामने रुक गए हैं, और ये है हमारे प्रवीण भाई। कुछ बोलना चाहेंगे आप? हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहेंगे ये, पर अभी शर्मा रहे हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर भाई बहनों, सभी को हैप्पी न्यू ईयर बोल दिया है हमने यहाँ पे। और बस अब चलते हैं, पास में है यहाँ से थोड़ा सा, ठीक है चलो भाई मिलते हैं फिर आगे। सामने से वो भी आ रहा है, क्या कहते हैं, परवीन भाई भी आ रहा है सामने से, परवीन बोलो सॉरी, प्रीतम भाई आ चुके हैं यहाँ पे, अब आगे निकलेंगे, जा 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 जा, हाँ हाँ जा। तो ये गए यहाँ पे से और अब हम जाएंगे, ठीक है चलते हैं भाई। बिल्कुल सो गाइस, हम आ चुके हैं मंदिर की तरफ, और मंदिर काफ़ी अच्छी जगह पे है, मतलब बहुत खुले एरिया में मंदिर ना, तो मतलब क्या बताऊँ, बहुत खूबसूरत मंदिर है, मैंने जाया भी नहीं किया सॉरी। तो ये सब ऐसे ऐसी बातें होती रहती हैं, मतलब कि मैं भूल जाता जो लड़का। बाकी आज हम अंदर तक लाए थे गाड़ी को, तो क्या कहते हैं, यहाँ पे हमारे काना ब्रो है, काना ब्रो हेलो करो, अब करो हेलो भाई, ये हमारे प्रीतम भाई है भैया, हैप्पी न्यू ईयर वगैरह कुछ हैप्पी न्यू ईयर भैया, हैप्पी न्यू ईयर कह रहे हैं वो आपको। अभी हम जा रहे हैं ऊपर, उधर पीछे एक मंदिर है, अभी आके मिलेंगे भैया, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, ओके जाइए जाइए जाइए। तो ये चले गए, मैं जाता हूँ अंदर क्योंकि मेरे साथ के बंदे आगे चले गए हैं। तो ये चले गए आगे और मेरे बाल पता नहीं क्यों उड़ रहे हैं पीछे की तरफ, ना जाने क्यों। तो आता हूँ मैं फटाफट से, चलता हूँ, वो कह रहे फटाफट आ जाओ। सो गाइस अभी हम मंदिर की हिस्ट्री बताएंगे, वैसे एक ब्लॉग में भैया ने बता रखा है हिस्ट्री मंदिर, बट फिर भी हम लोग बताएंगे।
इसकी चिंता ना करें आप लोग। और इधर दो मंदिर है, एक हनुमान जी का है, गणेश जी का इधर, और मेन मंदिर है ऊपर की तरफ माता जी का मंदिर। तो परिक्रमा कर रहा है, तो ये बंदे हैं हमारे साथ में। तो भाई अभी हम कर रहे हैं परिक्रमा, एक बार एक मंदिर की पूरी परिक्रमा कर देते हैं। जय हो। तरफ भी काफी मस्त है यार। सबसे अच्छी बात यह है कि नदी के पास में है तो और भी खूबसूरत है। सभी मंदिर नदी के पास में ही है, जौरपा मंदिर भी नदी के पास में है, सांगड़ा मंदिर भी नदी के पास में है, और मतलब मेरे को भी कुछ याद नहीं आ रहा जो दो तीन मंदिर पर, वो भी नदी के पास में ही है। तो काफी अच्छा व्यू आ जाता है इस मंदिर से, देख सकते हैं आप लोग कितनी अच्छी। और मैंने जैसे आपको कल एक बताया था स्टेटस में कि सर्दियों के टाइम पर पता नहीं क्यों नदी बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखती है, क्योंकि नदी गढ़वाली में बोलो तो छाली हो जाती है, मतलब साफ हो जाती है बिल्कुल क्लियर, इसलिए। और आज का मौसम अब तो सही हो गया, धूप आ रखी है अच्छी खासी, सुबह थोड़ा अटपटा सा मौसम हो गया था। बाकी अब जाता हूँ नीचे की तरफ, चलो बोल भाई। आ चुके हम मतलब नीचे की तरफ आया हुआ था, तो नीचे की तरफ देख सकते हैं आप, इधर थोड़े मतलब थोड़े बहुत मंदिर हैं, मतलब भगवानों की मूर्ति लगा रखी है उन्होंने, काफ़ी अच्छी बात है। और पीछे की तरफ मेरे देख सकते हैं आप लोग, मंदिर काफ़ी अच्छा लग रहा है। आज पता नहीं मैं क्यों थोड़ा सा काला काला सा दिख रहा हूँ, बट हूँ नहीं मैं ऐसा। सो गाइस मंदिर में जो आए थे हम, तो कम्प्लीट हो चुका है मंदिर में आना, तो वही है कि मतलब देखते हैं क्या कहना, जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अब सोच रहे हैं नीचे वाले मंदिर के नीचे जो उधर की तरफ पानी है उधर देखते हैं जाने का, अगर जा सकेंगे तो जाएंगे। वैसे एक बार मैं मंदिर में निकला, मैं घर उधर चला जाता। तो हम आ चुके हैं नीचे की तरफ, थोड़ा इधर ये करने मजा आता है भाई लोगों। अभी हम नीचे जा रहे हैं, नीचे नदी के पास, हम जब आए तो नदी भी चले जाएंगे, मतलब ऐसे ही थोड़ा मन की शांति के लिए। सो गाइस यहाँ पे इतना मस्त स्पॉट है, मैं सही बता रहा हूँ, ऊपर से नहीं लग रहा था। और यहाँ पे भोलू भाई जा चुके हैं, यहाँ पे भोलू भाई रुक गए। तो भाई लोगों हम यहाँ पे आ रखे थे, और ये है ठीक मंदिर के नीचे, और मैं बताता हूँ काफ़ी मज़ेदार हमने फोटोज निकाली है, इसको हम लगा मैं लगा दूंगा वीडियो में, बाकी काफ़ी अच्छी फोटोज आई है। और आप देख सकते कितना मस्त नज़ारा है, और यहाँ पे आगे से पहाड़ भी है, और मेरे को सुनने में आया कि यहाँ पे एक ट्रक भी डूब रखा है एक टाइम का, तो मतलब इतना गहरा है। तो फटाफट चलता हूँ मैं ऊपर, मेरे साथ के सारे बंदे चले गए, और ऊपर यहीं पे से सीधा ही मैं सीधा मंदिर है, ठीक है, मैं फटाफट चलता हूँ। तो भाई आज मंदिर का एपिसोड ख़त्म हुआ, मंदिर गए आज, बहुत मज़ा किया हमने मंदिर गए पहले तो, फिर नीचे नदी में गए, मंदिर में बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची, वो रहे मंदिर यहाँ से साफ दिख रहा है। तो पंडित जी ने कुछ कुछ बात बोली, बट वो मैंने रिकॉर्ड नहीं करी, जो भी है। तो गाइज आज का व्लॉग खत्म हो चुका है, तो आज के लिए व्लॉग इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको प्लीज़ लाइक करना, और आपके लिए मेहनत तो मतलब क्या कर रहे हैं, पर हाँ वीडियो बना रहे तो उसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है, एडिटिंग करने में ज़्यादा तो दिक्कत होती है बहुत सारी, वीडियो बनाने में और उसको एडिट करने में बहुत दिक्कत होती है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा लाइक करना बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मिलते रहेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कुछ कहना चाहते हैं आप हमारे व्लॉग में? लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और हैप्पी न्यू ईयर। हाँ जी, हाँ तो हैप्पी न्यू ईयर भी कह दिया उन्होंने आपको, और मैं मेरी तरफ से भी आपको हैप्पी न्यू ईयर, और बस हम चलते हैं आप थोड़ी देर में, ठीक है, बाय बाय। और
यार, वीडियो को लाइक मत करना, वो लाइक कर देना, मत करना बोलना मतलब, क्योंकि भाई देखो आज मैं बना रहा हूँ ना ब्लॉग, इसलिए मेरे को लाइक चाहिए भाई, इसलिए।